हेलो गाइज, मेरा नाम है सुमा, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। ये है मेरे पास वन प्लस नोट टू टी 5G स्मार्टफोन और इस स्मार्टफोन में आपको बहुत सारे हिडन फीचर और ट्रिप्स एंड ट्रिप देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि कैमरा के अराउंड रिंग लाइट वाला इफेक्ट, AOD का फीचर, कलर चेंजिंग के फीचर और वगैरह वगैरह बहुत सारे इसमें कस्टमाइजेशन वगैरह देखने को मिल जाते हैं, जो कि आई थिंक आपको पता नहीं होंगे। अगर वन प्लस नोट टू टी 5G स्मार्टफोन ले रहे हैं, लेने की सोच रहे हैं, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक वॉच करते रहेगा और वीडियो में आगे जाके वैल्यू लोगे तो वीडियो को एक लाइक कर सकते हैं और चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले फीचर की बात किया तो वो आपको देखने मिलता है मोबाइल की सेटिंग में। सेटिंग में जाएंगे और यहाँ पे मिलेगा सिस्टम सेटिंग का ऑप्शन और नीचे की स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पे मिलेगा रैम बूस्ट का ऑप्शन। जी हाँ, ये बाय डिफॉल्ट आपका ऑफ होता है, इसको ऑन कर देंगे तो यहाँ पे आप जो भी डेली परफॉर्म करोगे तो उस हिसाब से ऑप्टिमाइज वगैरह हो जाएगा और आपकी मतलब जो परफॉर्मेंस है ना वो काफ़ी ज़्यादा बूस्ट हो जाएगी। आप कुछ हैवी टास्क परफॉर्म करते हो तो इस फीचर का आप यूज वगैरह कर सकते हो। नेक्स्ट फीचर की बात करें तो वो आपको देखने मिलता है एक OTG कनेक्शन का ऑप्शन। OTG कनेक्शन का सभी में ऑप्शन होता है, लेकिन इसमें आपको दिखाता हूँ कि अपने फोन को यहाँ पे माउस एंड कीबोर्ड भी आप कंट्रोल करके चला सकते हो, गेमिंग वगैरह भी आप कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे देखते हैं, मैंने OTG के थ्रू कर लिया कनेक्ट और यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कुछ इस टाइप। देखते हैं, माउस में अपने फोन को कंट्रोल वगैरह कर रहा हूँ, किसी भी चीज को नोटिफिकेशन को एक्सेस कर रहा हूँ और कोई गेमिंग वगैरह करना चाहते हो तो कीबोर्ड वगैरह कनेक्ट करके भी आप इसमें कंट्रोल वगैरह कर सकते हो। नेक्स्ट फीचर की बात किया तो वो आपको देखने मिलता है इसके प्रेस एंड होल्ड करने पर और आइकन के अंदर जाएंगे। जी हाँ, इसमें आइकन कस्टमाइजेशन के भी ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। बाय चांस आप आइकन पैक से बोर हो चुके तो आप सोच रहे हो एक दो महीने बाद इसको चेंज कर लो, इस प्रकार से कर लो, ये पसंद आ रहा है ये इस प्रकार से, और इसमें कस्टमाइज भी कर सकते हैं कितना लार्ज रहना चाहिए कितना मीडियम रहना चाहिए, और कस्टम के अंदर आप शेप भी चेंज कर सकते हो आइकन का, देखते अपने हिसाब से कस्टमाइज वगैरह कर सकते हो। तो जब भी बोर हो तो यहाँ पे इसका आप अप्लाई करके इसको यूज वगैरह कर सकते हो, आइकन वगैरह के स्टाइल को चेंज कर सकते हो। नेक्स्ट फीचर की बात किया तो वो भी आपको देखने मिलता है प्रेस एंड होल्ड के अंदर के और विजिट 2.0 का भी सपोर्ट यहां पे आपको देखने को मिल जाता है, जिसमें पहले कम विजिट थे, अब यहां पे काफी सारे एडवांस लेवल के आप विजिट वगैरह ऐड कर सकते हो और काफी अच्छी होम स्क्रीन कस्टमाइजेशन यहां पे कर सकते हो। नेक्स्ट फीचर की बात किया तो यहां पे प्रेस एंड होल्ड करते हैं और यहां पे आपको देखने मिलता है लेआउट का ऑप्शन। अब देखते हैं एक रो के अंदर आपको कितने आइकन चाहिए, अपने हिसाब से कस्ट कर सकते हैं 5x5, 5x6, 4x5, तो जो भी आपको पसंद आ रहा है उस हिसाब से इसको कस्टमाइज कर सकती हैं। नेक्स्ट फीचर की बात किया तो प्रेस एंड होल्ड कीजिए और यहां पे आपको मिलेगा ट्रांजिशन इफेक्ट का ऑप्शन। जी अगर आपको ट्रांजिशन इफेक्ट इस प्रकार का चाहिए अप्लाई कीजिए। देखते हैं अब यहां पे देखते हैं, मैं इसको स्वाइप करूंगा तो इस प्रकार का कुछ ट्रांजिशन इफेक्ट देखने को मिलता है। नेक्स्ट फीचर की बात किया तो देखते हैं मेरे फोन के अंदर अभी देखते हैं इस प्रकार से ऐप ड्रॉवर ओपन हो रहा है, तो इसको डिसेबल भी आप कर सकते हैं और एक्टिवेट वगैरह भी कर सकते हैं। इसके लिए जाना पड़ेगा इस मोर सेक्शन के अंदर और यहां पे देखने को मिलेगा होम स्क्रीन मोड। जी अब यहां पे स्टैंडर्ड मोड पे क्लिक करके अप्लाई कर दूंगा, स्विच कर दूंगा तो यहां पे देखते हैं स्टैंडर्ड मोड में स्विच हो जाएगा। देखते हैं नॉर्मल मोड में स्विच हो चुका, कोई भी यहां पे ऐप ड्रॉवर मेरा ओपन नहीं होता, तो यहां पे ऐप ड्रॉवर मोड को यहां पे एक्टिवेट भी कर सकते हैं और डीएक्टिवेट वगैरह भी कर सकते हैं। नेक्स्ट फीचर की बात किया तो वो आपको देखने मिलता है नीचे की ओर, यहां पे देखने मिलता है आइकन पुल डाउन गेस्चर, इसको आप ऑन कर देंगे और यहां से देखते हैं इसको मैं इस प्रकार से राइट से लेफ्ट टू राइट स्वाइप करता हूं तो यहां पे देखते हैं सारे आइकंस यहीं पे आ चुके हैं जो भी ऐप है, और यहां से क्विक एक्सेस वगैरह कर सकता हूं। ये फीचर उनके लिए है जैसे कि आप एक हाथ से वर्क कर रहे हैं तो दूसरे हाथ से इस वन हैंडेड अपने फोन को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट फीचर की बात किया तो वो भी आपको यहीं पे देखने मिलता है डबल टैप टू लॉक का ऑप्शन। जी हां, इस पे आप जाइए और यहां पे डबल टैप कीजिए और आपका फोन लॉक हो जाएगा, तो कुछ इस प्रकार का ये फीचर देखने को मिलता है। नेक्स्ट फीचर की बात की जाए तो नेक्स्ट फीचर भी आपको यहां पे देखने मिलता है प्रेस एंड होल्ड करने पे और यहां पे देखने को मिलता है मोर का ऑप्शन, और यहां पे काफी सारे और भी ऑप्शन आपको देखने को मिल जाते हैं। सबसे पहले हमें देखते हैं स्वाइप डाउन टू होम स्क्रीन। अब यहां पे ग्लोबल सर्च कर दूंगा, देखते हैं स्वाइप डाउन, तो यहां से स्वाइप डाउन करूंगा तो यहां पे ऑटोमेटिक सर्च बार ओपन हो जाएगा, और यहां पे नोटिफिकेशन पैनल कर दोगे तो डायरेक्ट आपका ये नोटिफिकेशन पैनल आपका ओपन होएगा ये वाला, ठीक है, तो जो भी आपको सेट करना वो आप कर सकते हो। नेक्स्ट फीचर की बात किया तो वो आपको देखने मिलता है नीचे की और यहां पे देखते मिलता है डबल टैप टू वेकअप टर्न ऑफ स्क्रीन, ठीक है, तो इसको हम ऑन कर देते हैं। अब ये फीचर क्या है, जैसे कि मैंने फोन को लॉक किया और यहां से मैं डबल टैप करूंगा तो यहां से फोन मेरा स्क्रीन ऑन हो जाएगी, तो ये कुछ आपको फीचर देखने को मिलता है। और यहां पे देखने को मिलता है लॉक स्क्रीन का शॉर्टकट। जी हां, लॉक स्क्रीन पे आपको देखते हैं कैमरा एक देखने को मिलता है, एक असिस्ट बटन देखने को मिलता है, तो अगर आपको ये चीजें नहीं चाहिए गूगल असिस्ट तो यहां पे आप इसको ऑफ कर सकते हैं और बाकी आपका डिसेबल हो जाएगा। फिलहाल के लिए मैं इसको कर लेता हूं। और भी कुछ फीचर की मैं बात करूं तो वो देखने को मिलता है आपको मोबाइल की सेटिंग में। जैसे ही मोबाइल की सेटिंग में जाएंगे और यहां पे आपको देखने को मिलेगा अबाउट डिवाइस का ऑप्शन। जी हां, इस फोन के अंदर आप रैम एक्सटेंड कर सकते हैं, जैसे कि मैंने 8GB वाला बाय किया तो यहां पे 5GB रैम एक्सटेंड कर सकता हूं, मतलब 8GB प्लस 5GB, मतलब काफी ज्यादा मुझे यहां पे जो जितने हैवी टास्क परफॉर्म करता हूं वहां पे काफी ज्यादा मुझे हेल्प मिलने वाली है, तो ये चीज आपको देखने को मिलती है। रैम एक्सटेंड कर सकते हैं इस फोन के अंदर सॉफ्टवेयर के थ्रू। नेक्स्ट फीचर की बात करो तो वो आपको देखने को मिलता है सिस्टम सेटिंग के अंदर, और यहां पे देखते हैं अभी मेरे फोन के अंदर यहां पे 3 बटन है, इसको हाइड करना चाहते तो हाइड भी कर सकते हैं, मिरर करना चाहते तो मिरर भी कर सकते हैं। देखते हैं अभी पहले देखते हैं ये राइट साइड है, अब ये देखते हैं लेफ्ट साइड हो चुका है बैक बटन, तो इस प्रकार चेंज कर सकते हैं। और बटन को हाइड ही करना चाहते हैं, मतलब बटन होना ही नहीं चाहिए, तो ये देखते हैं बटन अब हाइड हो चुके हैं। अब देखते हैं जैसे आईफोन वगैरह में होता है ना, तो बैक करना है
और यहाँ से आपको बैक करना है, तो कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा। तो यहाँ जो भी आपको कस्टमाइजेशन करनी है कर सकते हैं, और यहाँ पे नेविगेशन बार देखने को मिलता है, एक ऐप से दूसरे ऐप में इस प्रकार से आप स्विच हो सकते हैं बिना बैक जाए, तो ये चीज़ भी आपको देखने को मिलती है। फिलहाल के लिए मैं इसको बटन पर सेट कर लेता हूँ, अगर आपको बिना बटन के अपने फोन को यूज करना है तो डेफिनेटली आप नेक्स्ट फीचर भी आपको यहीं पर देखने मिलता है सिस्टम सेटिंग के अंदर, और यहाँ पर देखने मिलता है स्क्रीन शॉट। इस फोन के अंदर 3 फिंगर स्क्रीन शॉट भी ले सकते हैं, और यहाँ पर देखने मिलता है 3 फिंगर टच एंड होल्ड, जी हाँ, इसको आप ऑन करके पार्सल स्क्रीन शॉट भी ले सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर 3 फिंगर को मैंने यहाँ पर प्रेस एंड होल्ड किया, और जितना मेरे को स्क्रीन जितने साइज का स्क्रीन शॉट लेना उस हिसाब से मैं इसका स्क्रीन शॉट वगैरह ले सकता हूँ। और इसको आपको मतलब राउंडेड करना है या अपने हिसाब से कस्टमाइज वगैरह करना है, इतना ही लेना है, तो हर एक पार्ट का आप स्क्रीन शॉट वगैरह ले सकते हो, है ना, काफ़ी द अमेजिंग फीचर। नेक्स्ट फीचर की बात करें तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग का फीचर भी देखने को मिलता है, बिना थर्ड पार्टी ऐप के यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग वगैरह कर सकते हैं। अगर गेमिंग वगैरह करते हो तो यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग का आप यूज कर सकते हो, इसी में आपको देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट फीचर की मैं बात करूँ तो वो आपको देखने को मिलता है एजबिलिटी के अंदर, एजबिलिटी मेनू का एक ऑप्शन देखने को मिलता है, इसको ऑन कर देंगे और इसको अलो कर देंगे तो यहाँ पे देखते हैं एक बटन आपका ऐड हो जाएगा जहाँ पे आप क्विक एक्सेस वगैरह कर सकते हो। जैसे कि आपको दिखाता हूँ, देखते काफ़ी सारे फीचर यहाँ से क्विक एक्सेस वगैरह कर सकता हूँ, जैसे कि पावर ऑफ, पावर वॉल्यूम अप डाउन, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती है। अगर आपको इसका भी यूज करना है तो डेफिनेटली आप इसको ऑन करके यहाँ से यूज कर सकते हो। नेक्स्ट फीचर की मैं बात, नेक्स्ट फीचर आपको देखने मिलता है सेटिंग के अंदर डिजिटल वेलबिंग का एक ऑप्शन देखने को मिलता है। डिजिटल वेलबिंग का ऑप्शन होता है, लेकिन यहाँ पे देखते हैं फोकस मोड का फीचर देखने को मिलता है। अब बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया पर इसको टर्न ऑन नाउ कर दिया जाए तो दिखाता हूँ आपको क्या कुछ आपको देखने को मिलता है। बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया का देखते हैं आइकन, पहले तो देखते हैं थोड़ा फेड हो चुका है, और इसको ओपन करने की कोशिश करेंगे तो ये ओपन नहीं होगा। जितने मिनट के लिए आपने फोकस मोड लगाया होगा, मतलब आप कोई वर्क करना चाहते हैं मतलब उसी पर फोकस रहे, तो इस हिसाब से इस फोकस मोड का यूज कर सकते हो, चाहकर भी इस ऐप को आप ऑन नहीं कर पाओगे, तो ये कुछ आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट फीचर की बात करो तो यहाँ पे कुछ स्पेशल फीचर भी आपको देखने को मिल जाते हैं। स्पेशल फीचर के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले क्विक लॉन्च का एक ऑप्शन देखने को मिलता है, इसको आप ऑन कर देंगे। अब ये फीचर क्या है जैसे कि आपको दिखाता हूँ, जैसे कि मैं कोई फोन इन डिस्प्ले से इसको ऑन करूंगा, जैसे कि इन डिस्प्ले उसके प्रेस एंड होल्ड करे रखूंगा तो यहाँ पे देखते हैं ऑटोमेटिक ये आ चुका है, और यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें क्विक एक्सेस वगैरह कर सकता हूँ, जैसे कि फिंगरप्रिंट के थ्रू ही। और जो रेगुलर ऐप के यूज ऐप ज़्यादा होती है, जैसे कि व्हाट्सअप डायरेक्ट ही ओपन करना है तो यहाँ व्हाट्सअप वगैरह, फेसबुक वगैरह ऐड कर सकते हैं, और डायरेक्ट उन ऐप को क्विक एक्सेस कर सकते हैं। फिंगर जब भी फोन को अनलॉक वगैरह करो बस प्रेस एंड होल्ड करके आपको रखना पड़ेगा। और यहाँ पे देखने को मिलता है वन प्लस वाला एक ऑप्शन जी है, इसको आप ऑन कर देंगे तो यहाँ से आप देखते हैं कुछ इस प्रकार से आपको देखते हैं नेवर स्टाइल वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो ये चीज़ आपको देखने को मिलती है। ये थोड़ी बड़ी अननोइंग देखने को मिलती है, कई बार हम नोटिफिकेशन बार को ओपन करते हैं तो ये ओपन हो जाता है, तो इसके लिए मैं इसको ऑन करके नहीं रखता, लेकिन आपको करना है आप कर सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं इसको ऑफ वगैरह कर देता हूं। नेक्स्ट फीचर की मैं बात करूं तो वो देखने को मिलता है आपको इसके ऐप्स के अंदर। ऐप्स के अंदर जाएंगे तो यहां पे काफी सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। सबसे पहले ऐप क्लोन का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, मान लीजिए एक फोन में आपको डबल व्हाट्सएप यूज करना है, डबल फेसबुक यूज करना है, तो यहां से आप यूज कर सकते हो। हालांकि मैंने अभी ऐप डाउनलोड नहीं की, लेकिन जैसे ऐप डाउनलोड करूंगा तो यहां पे आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट चीज आपको देखने को मिलती है स्प्लिट स्क्रीन वाला फीचर जी। अभी देखते हैं 3 फिंगर से आप स्क्रीनशॉट ले सकते थे, लेकिन 3 फिंगर से आप देखते स्प्लिट स्क्रीन को भी ओपन कर सकते हैं। जैसे कि मैंने इसे किया, देखते स्प्लिट स्क्रीन में ये ओपन हो चुका है। अब मान लीजिए यहाँ पे मुझे कोई ऐप्स यूज करनी है, मतलब एक ऐप्स के साथ दो ऐप्स को यूज करना है, तो इस प्रकार से मैं यूज वगैरह कर सकता हूँ, तो ये चीज़ आपको देखने मिलती है। अगर आपको इसको यूज करना है तो कर सकते हैं, मतलब ऊपर स्क्रीन शॉट ले सकते हैं और नीचे की साइड से आप स्प्लिट स्क्रीन में किसी भी फीचर को यूज कर सकते हैं, किसी भी एप्लीकेशन को। नेक्स्ट चीज़ की बात करें तो वो आपको देखने मिलता है नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार के अंदर। इसको पे आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे। सबसे पहले इस पर आप क्लिक करेंगे तो जब भी कोई नोटिफिकेशन आते हो नंबरिंग शो करने चाहिए या डॉट शो करना चाहिए, नंबर एंड डॉट दोनों ही शो करना चाहिए या शो ही नहीं करना चाहिए जब भी कोई नोटिफिकेशन आए, तो ये आप चीज़ आपको देखने को मिलती है। नेक्स्ट चीज़ आपको देखने मिलती है स्टेटस बार का ऑप्शन जी। स्टेटस बार में आपको ब्लूटूथ को रिमूव करना है, यहाँ पे देखते हैं आप जैसे कि अलार्म वगैरह को ऑफ करना चाहते हैं, मतलब स्टेटस बार में जो भी ऑप्शन आते हैं ऑन तो कर सकते हो लेकिन यहाँ पे आपको बिल्कुल शो नहीं करेंगे, तो ये चीज आपको देखने को मिलती है। और यहाँ पे देखते हैं बैटरी के स्टाइल को आपको चेंज करना है, इस टाइप में आपको बैटरी का स्टाइल चाहिए तो इस प्रकार से कर सकते हैं, और इस प्रकार से चाहिए तो इस प्रकार से कर सकते हैं। नोटिफिकेशन आइकन आपको किस टाइप में चाहिए, इसे कलरफुल टाइप में चाहिए या नंबरिंग में चाहिए, सो ही नहीं करना चाहिए, तो ये कुछ आपको देखने को मिलता है। और यहाँ से बैटरी परसेंटेज को ऑन करके यहाँ पे बता देगा आपके फोन में कितनी बैटरी परसेंटेज, जब भी फोन कर लो तो बैटरी परसेंटेज को जरूर से जरूर ऑन कर लो आप। नेक्स्ट फीचर आपको देखने मिलता है मोर सेटिंग के अंदर, और यहाँ पे आपको देखने मिलता है नीचे की ओर नोटिफिकेशन हिस्ट्री का ऑप्शन। इसको आप ऑन करेंगे तो यहाँ पे काफ़ी सारी आपके नोटिफिकेशन आती है ना, इसको आप क्लियर भी कर दोगे ना तो यहाँ पे आपको शो कर देगा भाई। जैसे बहुत सारी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन होती है ना, स्वाइप हो जाती है, लेकिन स्वाइप होने के बाद यहाँ से आप उसको चेक कर सकते हो कि क्या नोटिफिकेशन आया। नेक्स्ट फीचर की बात करें तो वो आपको देखने मिलता है साउंड एंड वाइब्रेशन के अंदर। यहाँ पे लाइव कैप्शन का भी ऑप्शन देखने को मिलता है, इसको ऑन करेंगे जब भी कोई वीडियो वगैरह प्ले करोगे तो वहाँ पे कैप्शन वगैरह देखने को मिलेंगे अगर सपोर्ट होगा तो उसका, ठीक है, तो इस प्रकार से पता लग जाएगा आपको क्या बोल रहा है, क्या चीज़ आपको कुछ लैंग्वेज में आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो यहाँ पे कैप्शन का ऑप्शन देखने को मिलता है। नेक्स्ट फीचर की बात किया तो
वो आपको देखने मिलता है हैप्टिक एंड टून्स के अंदर। जी हाँ, यहाँ पे देखिए सिस्टम हैप्टिक का ऑप्शन है, जैसे कोई टैपिंग वगैरह करते हैं कितना टक टक की आवाज़ आनी चाहिए, अपने हिसाब से उसकी इंस्टेंटिटी को कम ज़्यादा कर सकते हैं। और यहाँ पे एडवांस सेटिंग के अंदर तो आपको कुछ नहीं देखने मिलता, लेकिन यहाँ पे देखते हैं ऑडियो ट्यूनर के अंदर जाएंगे तो जो साउंड इफेक्ट है ना वो आपको किस प्रकार का एक्सपीरियंस चाहिए, मूवी प्रकार का, गेमिंग प्रकार का, म्यूजिक प्रकार का, उस हिसाब से आप कर सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी आपको टेक्नोलॉजी देखने मिलती है साउंड के अंदर। अगले फीचर की बात करें तो वो आपको देखने मिलता है डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस के अंदर। डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस में जाएंगे तो यहाँ पर डार्क मोड का सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है, इस फोन को आप डार्क मोड के एक्टिवेट कर सकते हैं। देखते सारा कुछ ब्लैकिश टाइप में आपको देखने को मिलेगा, इस प्रकार से चीज़ें देखने मिलती है। और डार्क मोड ऑन करने के बाद इसमें कस्टमाइजेशन भी आपको देखने मिलते हैं, कितना डार्क होना चाहिए आपका फोन, इतना डार्क, नॉर्मल डार्क, कम डार्क होना चाहिए, हालांकि मुझे डीप डार्क काफ़ी अच्छा लगता है, तो ये चीज़ देखने मिलता है। और आपका देखते आइकन भी आपका डार्क होना चाहिए या आपका वॉलपेपर भी डार्क होना चाहिए, उसके हिसाब से, पूरा डार्क नहीं करता वॉलपेपर आइकन को लेकिन उसके हिसाब से डार्क वगैरह कर देता है, तो इस हिसाब से इसको कस्टमाइज वगैरह कर सकते हो। फिलहाल के लिए मैं लाइट मोड को यहाँ पर ऑन कर देता हूँ। यहाँ पर देखने मिलता है स्क्रीन कलर मोड का ऑप्शन। जी अगर स्क्रीन का कलर आपको पसंद नहीं आ रहा, जो भी आपको कस्टमाइज करना, वॉर्म करना है, अपने हिसाब से आप कस्टमाइज वगैरह कर सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ आपको फीचर देखने को मिलता है। नेक्स्ट फीचर की बात करें तो यहाँ पे आई मोड का भी ऑप्शन देखने को मिलता है। इसको ऑन करके आपके आंखों में मतलब कम इफेक्ट पड़े, फोन का आंखों पे कम असर पड़े, आंखों में कम पानी आए, तो इस मोड का आप यूज वगैरह कर सकते हो आई मोड का। और यहाँ पे देखने को मिलता है वीडियो कलर बूस्ट का ऑप्शन। जी है, इसको ऑन करेंगे तो यहाँ पे कोई भी आप वीडियो वॉच करोगे ना तो उसके कलर इन्हांस हो जाएंगे, वो आपको दर्शा भी रहे कि यहाँ पे देखते हैं इस साइड में और दूसरी साइड में देखते हैं कलर कितना इन्हांस हो जाएगा, कितना बूस्ट आपको कलर देखने को मिलेगा, जिससे आपका एक्सपीरियंस काफी अच्छा रहने वाला है। और यहाँ पे देखते हैं इस फोन के अंदर आपको देखता है कि 90 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट भी देखने को मिल जाता है। 90 हर्ट्ज़ पे करेंगे तो आपका फोन काफी दस स्मूथ चलेगा, लेकिन बैटरी थोड़ी ज्यादा कंज्यूम करेगा। 60 हर्ट्ज़ पे आपका थोड़ा नॉर्मल ही चलेगा जैसे आपका फोन चलता था। 90 हर्ट्ज़ पे काफी दस स्मूथनेस आपको देखने को मिल जाती है इसके अंदर, तो इस मोड का भी यूज करना डेफिनेटली आप कर सकते हो। नेक्स्ट फीचर की बात किया तो वो आपको देखने मिलता है पर्सनलाइजेशन के अंदर। इसमें काफ़ी सारे आपको फीचर देखने मिलते हैं, एक एक करके हम समझाएंगे। जैसे कि यहाँ पे देखने मिलता है क्विक सेटिंग का ऑप्शन। जी हाँ, अगर यहाँ पे सेटिंग का आपको लेआउट देखते हैं, इसका भी आप लेआउट चेंज कर सकते हैं। राउंडेड चाहिए तो भाई साहब ये देखते हैं राउंडेड हो चुके हैं, मतलब दो महीने बाद आप बोर हो रहे हो स्टाइल से, तो यहाँ पे देखते हैं इस प्रकार का स्टाइल कर लीजिए, इस प्रकार का स्टाइल हो जाएगा, इस प्रकार का करना चाहिए, मतलब थोड़ा सा राउंडेड करना है तो इस प्रकार से कर सकते हो। तो काफ़ी सारे इसमें देखने मिलती है जिन्हें आप यूज करना तो कर सकते हो। नेक्स्ट चीज़ की बात करते हैं, कलर भी चेंज कर सकते हैं। जो सेटिंग के कलर होते हैं ना उसका कलर इस टाइप में रहना चाहिए, ब्लू इस टाइप में, इस टाइप में, ये इस टाइप में, येलो इस, हरा, ग्रीन, सब कुछ आप कर सकते हो यार, और अपने हिसाब से कस्टमाइज वगैरह कर सकते हो कौन सा आपका कलर होना चाहिए, मतलब सेटिंग का पैनल का इस प्रकार से करेंगे तो यहाँ पे देखते सारी सेटिंग इस कलर में आपको देखने को मिल जाती है। फिलहाल के लिए ब्लू इस देखने को मिलता है, ब्लू इस अच्छा लगता है। नेक्स्ट यहाँ पे फॉन्ट के स्टाइल वगैरह को आप चेंज वगैरह कर सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पे देखने को मिलता है फिंगरप्रिंट एनिमेशन। फिंगरप्रिंट का जो आप अनलॉक करो तो वहाँ पे किस प्रकार का एनिमेशन आना चाहिए, इस टाइप में या इस टाइप में या इस टाइप में, इस टाइप में, बहुत सारी कस्टमाइज है, जो भी आपको पसंद आ रहा है यहाँ पे आप सेट वगैरह कर सकते हो। और यहाँ पे देखने मिलता है होरिजन लाइट का ऑप्शन। जी हाँ, जब भी कोई नोटिफिकेशन आए तो किस प्रकार का आपको इफेक्ट देखने को मिलना चाहिए, इस हिसाब से इसको आप कस्टमाइज वगैरह कर सकते हो। हालांकि ये ब्लूइश टाइप वाला काफी अच्छा देखने को मिलता है, जब भी कोई नोटिफिकेशन आएगा ना तो इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पे देखने मिलता है कैनवास एओडी का ऑप्शन। अब ये कैनवास एओडी क्या है, इसके अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, एक फोटो सेलेक्ट करनी पड़ेगी, अपनी कर लीजिए और उस प्रकार की एओडी आपको कन्वर्ट करके दे देगा स्केच टाइप के अंदर। ये आपको दिखा रहा है ना, एओडी आपको आपके फेस के स्केच टाइप में चाहिए, तो इस प्रकार से ये चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। नेक्स्ट यहाँ से भी आपको आइकन कस्टमाइजेशन देखने को मिल जाती है, वाल पेपर चेंज करने का भी यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिलता है। लेकिन एक कमाल की चीज़ आपको दिखाता हूँ क्या चीज़ इसमें देखने को मिलती है, और यहाँ पर थर्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेते हैं। अब यहाँ पर दिखाता हूँ, ये काफ़ी अमेजिंग फीचर है। जैसे कि यहाँ पर इसको ऑन करता हूँ और यहाँ पे देखते कोई भी फोटो मैं क्लिक कर लेता हूँ, अभी दिखाता हूँ, इस फोटो को क्लिक कर लेता हूँ मैं, जैसे कि मैंने फोटो क्लिक की, क्लिक करने के बाद जो भी इसके अंदर कलर यूज किया गया इस फोटो के अंदर, अब ये उस कलर को फाइंड करेगा इसमें कौन कौन से कलर यूज किए गए, और उससे मिलते जुलते आपको वॉलपेपर ला के देगा और आप सेट कर सकते हो, है ना, काफ़ी एडवांस टेक्नोलॉजी वाली, ठीक है। तो ये चीज़ देखने मिलता है, गैलरी में आपके फोटो है तो वो भी आप कर सकते हैं, और डायरेक्ट भी आप फोटो क्लिक करके यहाँ पे लगा सकते हैं, है ना, काफ़ी अमेजिंग फीचर। नेक्स्ट फीचर की बात की तो वो आपको देखने मिलता है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का फीचर। जी हाँ, या बोल सकते हैं एओडी का फीचर। सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं डिस्प्ले के ऑप्शन को, यहाँ पे देखते हैं शेड्यूल कर सकते हैं कितने बजे तक ऑन होना चाहिए मेरा ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, तो इस हिसाब से कर सकते हैं। डिस्प्ले सेटिंग में जाके यहाँ पे ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के साथ फिंगरप्रिंट का एनिमेशन आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, बैटरी में एनिमेशन के अंदर ये आपको नोटिफिकेशन शो करना चाहिए या क्लीन वगैरह रहना चाहिए, इस हिसाब से आप इसको कस्टमाइज वगैरह कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको देखने मिलती है, लाइट इफेक्ट आने चाहिए कि नहीं आने चाहिए, ये कार्य कस्टमाइज। और काफ़ी सारे यहाँ पे देखते हैं वॉच फेसेस देखने को मिलते हैं, जो भी आपको पसंद आ रहा है यहाँ से आप इसको लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये देखते हैं काफ़ी सारे इसमें आपको प्री देखने को मिलते हैं, प्री इंस्टॉल, और अपने हिसाब से टाइपिंग वगैरह करके भी आप लगा सकते हैं, टेक्स्ट क्लॉक भी आपको देखने को मिलता है। और यहाँ पे आप मेन जो फीचर है ना, जो कि इमोजी वाला, जी हाँ,
इमोजी वाले पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखते हैं, मैंने अपनी फोटो क्लिक की और उससे मिलता जुलता यहाँ पे एक किसी ने इमोजी बना के दिया। जब आप करोगे तो वहाँ पे ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा और यहाँ पे वाईफाई ऑनली कर लीजिए और इसको अप्लाई कर दीजिए और समय समय पर इसको चेंजिंग भी आपको देखने को मिल जाएगी, आपको दिखाता हूँ। और साथ ही साथ इसके साथ रिंग लाइट इनेबल कर दोगे ना तो काफ़ी अच्छा लगता है। आप देखते हैं इसका स्टाइल वगैरह चेंज होता रहता है, कभी सो जाता है, कभी किस टाइप में आपको देखने को मिलता है, तो चेंजिंग वगैरह भी आपको देखने को मिलेगी पर 10-15 मिनट बाद। तो ये चीज़ आप देख लेना। अब यहाँ पे बताता हूँ यहाँ पर रिंग लाइट आप किस प्रकार से इनेबल कर सकते हो और इससे काफ़ी अच्छा लगेगा। सिंपली आपको क्या करना पड़ेगा, प्ले स्टोर में जाना है और यहाँ पे आपको सर्च करना है रिंग एप्लीकेशन सर्च करेंगे तो ये वाली एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करनी है। इससे मिलती जुलती काफ़ी सारी एप्लीकेशन है लेकिन आपको ये वाले डाउनलोड करके अपने फोन के अंदर ओपन कर लेनी है। कुछ इस टाइप में देखने मिलता है, मैंने ऑलरेडी इसको सिलेक्ट किया, जैसे कि मतलब इसका साइज वगैरह ना मतलब थोड़ा इधर उधर होता है, तो आपको उसका कैमरा के अराउंड सेट करना पड़ता है, इसकी पोजीशन सेट करनी पड़ती है, थोड़ा इधर होता है थोड़ा इधर, इसके कैमरा के अराउंड आपको बिल्कुल सेट करना पड़ता है, जैसे कि मैंने ऑलरेडी इसको किया हुआ है, तो आप कर लेना, थोड़ा टाइम लगता है। उसके बाद यहाँ पे कलर आपको किस टाइप में चाहिए, तो मैंने क्या रखा, येलो और ब्लैक में कॉम्बिनेशन अच्छा लगता है। आप ब्लू इस टाइप में भी कर सकते हो, ऑरेंज टाइप में भी कर सकते हो, जो भी आपको लाइट की कलर करनी है वो आप कर सकते हो। अब इसके करने के बाद आपको दिखाता हूँ इसका इफेक्ट किस प्रकार से देखने मिलता है।